तो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक अगेन टू राज रोमियो गेमिंग। सो फाइनली आप लोगों को पता है कि आयातो का रीरन हो चुका है और मैंने बिल वीडियो नहीं बनाया था, बट काफी लोग मेरे लाइव स्ट्रीम में आके कह रहे हैं कि आयातो का बिल वीडियो लाओ राज भाई। तो ये आ चुका है आयातो का बिल वीडियो और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आयातो के प्ले स्टाइल, आयातो का टैलेंट किट और आयातो कैसे वर्क करता है, आयातो डेंड्रो टीम के साथ कैसे वर्क करता है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में मैंने बताया है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और पसंद आती है तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आयातो के टैलेंट एंड किट के बारे में। आप आयातो को 2-in-1 यूज कर सकते हो, लाइक आयातो ऑन एलिमेंटल स्किल DPS कैरेक्टर और एज अ सपोर्ट ऑन एलिमेंटल बर्स्ट। तो अगर मैं इसके एलिमेंटल स्किल की बात करूं तो ये 6 सेकंड के लिए जो है एक DPS कैरेक्टर बन जाता है ऑन फील्ड, लाइक रेडन शोगन। जैसे रेडन शोगन आफ्टर बर्स्ट के बाद जो खतरनाक बन जाती है, वैसे ये एलिमेंटल स्किल के बाद एक ऑन फील्ड DPS बन जाता है। बट इसका स्किल ड्यूरेशन ओनली 6 सेकंड है और इसका कूल डाउन जो है वो 12 सेकंड है। तो आपको फुल टाइम DPS तो नहीं रख पाओगे, लेकिन आप एलिमेंटल स्किल यूज करने के बाद जो है बाकी पार्टी मेंबर्स के जो बर्स्ट वगैरह है उसे आप यूज करके वापस से स्विच करके ऑन फील्ड DPS फिर से यूज कर सकते हो। और इसका वाटर इल्यूजन क्या होता है, वाटर इल्यूजन डैमेज, जैसे ही आप एलिमेंटल स्किल यूज करते हो वैसे ही जो एक आयातो अपना क्लोन बनाता है तो वो क्लोन 6 सेकंड बाद जो है थोड़ा सा बर्स्ट करता है, जिसका डैमेज आप यहाँ पर देख सकते हो 200% के आसपास है। अगर मैं इसके डिटेल में बात करूँ तो आप मिनिमम 15 हिट्स जो है आयातो का मार सकते हो अगर इंटरप्शन नहीं हुआ तो, और उससे ज़्यादा भी मार सकते हो विद अटैक स्पीड पर। इसका एलिमेंटल स्किल पार्टिकल जनरेट करता है एवरी 2 सेकेंड, सो जनरली 1 या 2 पार्टिकल जनरेट करता है, ठीक है, मतलब 4 या फिर 6 पार्टिकल जनरेट कर पा सकते हो इन एवरी स्किल ड्यूरेशन, ओके। इसका स्किल डैमेज डिपेंड करता है स्किल टैलेंट के ऊपर, सो नॉर्मल अटैक को आपको जो है इसको बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, मतलब लेवल अप करने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। आयातो का अटैक एलिमेंटल स्किल में एडिशनल डैमेज प्रोवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ इस HP, जिसे हम नेमेसिस इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये एक स्मॉल एडिशनल डैमेज है, ठीक है, जो मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा आप आयातो के HP पे ज्यादा फोकस करें और इसके वजह से आप अटैक को इग्नोर कर दे, बट हाँ हो सके तो आप सबस्टेट्स में HP दे सकते हो। अगर मैं आयातो के बर्स्ट की बात करूँ तो बर्स्ट कैसा वर्क करता है इसका, तो एलिमेंटल बर्स्ट जो एकदम इजी टू अंडरस्टैंड है, मीन्स ये फुल गानियों का डुप्लीकेट है जो की ऊपर से बारिश होती है और एनिमीज को हाइड्रो अप्लाई करता है और डिसेंट अमाउंट पे जो है वो डैमेज भी देता है, काफी अच्छा डैमेज भी देता है। इसका बेसिकली यूज हम फ्री स्टीम के लिए यूज कर सकते हैं, है ना। इसका ड्यूरेशन काफी ज्यादा है, आप देख सकते हो यहाँ पर 18 सेकंड दिया हुआ है और इसका कूल डाउन सिर्फ जो है 20 सेकंड है, मतलब जैसे इसका ड्यूरेशन खत्म हो जाता है आफ्टर 2 सेकंड आप फिर से इसका यूज कर सकते हो, लेकिन इसका एनर्जी कॉस्ट जो है वो काफी हाई होता है, ठीक है। लेकिन इसका पैसिव टैलेंट जो कहता है वो कहता है कि जैसे ही आयातो का जो है एनर्जी, मतलब एनर्जी लेवल जो है 30-40 से कम होता है, 2 एनर्जी पार्टिकल्स लेता है इन एवरी सेकंड। दूसरा टैलेंट ये कहता है कि जैसे ही हम इसका एलिमेंटल स्किल यूज करता है, ये एक क्लोन जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो वो जैसे ही आफ्टर यूज ऑफ एलिमेंटल विल गेन 2 नेमेसिस स्टैक्स, वो स्टैक्स जनरेट करता है और जैसे ही वो एक्सप्लोर होता है तो वो भी जो है मैक्सिमम स्टैक कम्प्लीट करता है। तो नेक्स्ट हम आयातो के कॉन्स्टिलेशन के बारे में बात करेंगे। सो इसका फर्स्ट कॉन्स्टिलेशन कहता है कि जैसे ही एनिमीज के जो है 50 या उससे कम HP होती है तो इसका स्लैश डैमेज जो कि आपको मैंने बताया था वो जो है 40% इंक्रीज कर देता है। इसका सेकंड कहता है कि नेमेसिस स्टैक जो कि मैक्सिमम स्टैक्स अगर आप बढ़ा देते हैं तो 3 होता है, लेकिन ये 5 कर देता है, ठीक है। और अगर आप आयातो का एटलीस्ट 3 नेमेसिस स्टैक्स है तो उसका HP जो है 15% इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट इसके एलिमेंट जो 3 के बारे में, ये इसका स्किल टैलेंट लेवल बढ़ा देता है। फोर्थ की अगर मैं बात करूं कि जैसे ही इसका हम बर्स्ट यूज करते हैं तो नियर बाय जितने भी हमारे पार्टी मेंबर्स होते हैं उनका नॉर्मल डैमेज जो है स्पीड, नॉर्मल अटैक स्पीड जो है वो बढ़ा देता है 15 सेकंड के लिए। फिफ्थ इसका बर्स्ट टैलेंट लेवल बढ़ाने के लिए होता है। एंड फोर्थ काफी अच्छा होता है क्योंकि जैसे ही आप इसका एलिमेंटल स्किल यूज करते हो तो ये जो है 2 एक्स्ट्रा स्लैश पैदा करता है जो कि काफी अच्छा डैमेज देता है, मतलब 450 ऑफ इसका अटैक डैमेज देगा, यानी 450% जो है अटैक आयातो का जो है उसके हिसाब से जो डैमेज देगा।
आयातों के विपन के बारे में मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट विपन इसका होता है हरन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कभी भी जो भी कैरेक्टर होता है उसका पैसिव विपन जो है वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन पैसिव विपन के अलावा हम 5-स्टार में कौन से कैरेक्टर विपन यूज कर सकते हो, तो सेकंड पर अगर आता है तो वो है प्रिमोडियल जेट। प्रिमोडियल जेट कटर काफी अच्छा होता है और इसमें आपको जो है एचपी भी मिलता है 20%, ठीक है, इंक्रीज करता है तो वो काफी अच्छा इंक्रीज होता है और साथ ही साथ आपको क्रिट मेंटेन करने के लिए भी मिलता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मिस प्लीटर भी काफी अच्छी वेपन होती है जिसमें आपको क्रिट डैमेज मिलता है तो क्रिट डैमेज इंक्रीज हो जाता है। और आप 5-स्टार में समिट सेपर भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप शील्ड यूज कर रहे हो अपने टीम मेंबर तो ये परफेक्ट है, नहीं तो फिर मैं इसमें रिकमेंडेड नहीं करूंगा कि आप समिट सेपर लगाइए। फिर अगर मैं बात करूं, आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हो गेम में और आपने बैटल पास लिया है तो सबसे बेटर अगर 4-स्टार में वेपन मैं कहूं तो वो है ब्लैक स्वॉट। ब्लैक स्वॉट काफी अच्छा वेपन होता है क्योंकि आप इसके पैसिव में अगर देख सकते हो तो इसके पैसिव में यहां पर लिखा हुआ है कि इंक्रीज डैमेज डील बाय नॉर्मल एंड चार्ज अटैक इंक्रीज बाय 20%। तो ये पैसिव आपका काफी अच्छा काम आता है और रीजनरेट 60% ऑफ अटैक एंड एचपी व्हेन, तो ये इसका पैसिव थोड़ा बहुत वर्क करता है काफी अच्छा आयातों के ऊपर। तो अगर आप बैटल पास लेते हो तो आप ब्लैक शॉट यूज कर सकते हो। अगर आपके पास ब्लैक शॉट नहीं है और आप फुल फ्री टू प्ले प्लेयर हो तो आप इसकी जगह जो है हरबेंडर ऑफ डाउन भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैं हरबेंडर ऑफ डाउन आपको तब रिकमेंडेड करूंगा जब आपका 90% से ज्यादा एचपी हो, या फिर आप स्किल यूज मतलब कोई भी शील्डर यूज कर रहे हो तो आप हरबेंडर ऑफ डाउन यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पे आता है ब्लैक लीफ लॉन्ग स्वॉर्ड। ब्लैक लीफ लॉन्ग भी आप यूज कर सकते हो, ये भी काम में आता है क्योंकि आपको इसमें जो है क्रिट डैमेज मिलता है तो ये काफी डिसेंट अमाउंट में काम आता है। लैंड रोल सबसे बेस्ट काम आता है। लैंड रोल भी आप यूज कर सकते हो क्योंकि आपको इसमें जो है अटैक मिलता है, और कोई भी पायरो और इलेक्ट्रो अगर आप यूज कर रहे हो लाइक वेब टीम या फिर इलेक्ट्रो चार्ज टीम अगर आप यूज कर रहे हो तो इसमें ये काफी अच्छा काम आता है, ठीक है। और नेक्स्ट एनिमो कायगुची भी इस अटैक परसेंट बढ़ाने के लिए जो है एनिमो कायगुची को यूज कर सकते हो। और लाइक अगर आप कोई मतलब बर्स्ट डैमेज बना रहे हो उसको एनर्जी रिचार्ज की आपको जरूरत है तो, या आपके पास कोई चारा नहीं है तो आप स्काईवर्ड ब्लेड भी यूज कर सकते हो या फिर फोवेनियस स्वॉर्ड भी आप इसमें लगा सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आयातों के आर्टिफैक्ट्स के बारे में जो कि सभी को इसी चीज का वेट था। तो आयातों के लिए सबसे बेस्ट अगर मैं बताऊं तो इको ऑफ अफेरिंग है, ये इसी के लिए बनाया गया है। जैसे कि आप समझ सकते हो यहाँ पर नॉर्मल अटैक हिट ओपोनेंट डेयर 30% रहता है, तो इसके लिए तीन सबसे बेस्ट आर्टिफैक्ट्स होते हैं जो कि डिसेंट अमाउंट में सेम ही यूज होते हैं। एक होता है इको ऑफ एन अफेरिंग, दूसरा होता है हाइड्रो, ठीक है, 4-पीस हार्ट ऑफ डेथ भी आप यूज कर सकते हो, या तीसरा जो है ग्लेडिएटर 4-पीस भी आप यूज कर सकते हो। ये सेम अमाउंट में ही थोड़ा बहुत डैमेज कम ज्यादा होता है। 4-पीस चारों तीनों का अगर आप यूज कर सकते हो तो कर सकते हो, जिसके पास भी आपका सबस्टेट्स में ज्यादा बेटर सबस्टेट्स हो उसे आप यूज लगा सकते हो। लेकिन कभी कभार जो है हमारे इंडिया में जो है इसका पिन में इशू होता है क्योंकि ये जो है ट्रिगर नहीं कर पाता है, तो अगर आपका पिन काफी हाई होता है तो आप इसे यूज करने पे जो है आपका ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो उससे बेटर आप 4-पीस हाइड्रो पीस लगा सकते हो या फिर आप ग्लेडिएटर भी 4-पीस लगा सकते हो। अगर 2-पीस की बात करूं तो 2-पीस में आप इसे 2-पीस हाइड्रो दे सकते हो अगर आपके पास 4-पीस सेट नहीं होता है, और 2-पीस कोई भी अटैक वाला आप दे सकते हो या फिर ग्लेडिएटर शिमिनावा या फिर कोई भी 2-पीस अटैक वाला जो है आप इसको दे सकते हो, 2-पीस हाइड्रो प्लस 2-पीस अटैक। अगर मैं इसके सबस्टेट्स की मेन स्टेट्स की बात करूं तो यहां पर अटैक रखना जरूरी है क्योंकि अटैक जो है इसमें अटैक पे ही ये जो है डैमेज देता है, तो सैंड में आपको अटैक रखना है, यहाँ पे आपको हाइड्रो डैमेज बोनस रखना है और यहाँ पर आपको क्रिट रेट या क्रिट डैमेज रखना है। अगर मैं इसकी सबसेट्स की बात करूँ तो सबसेट्स में सबसे प्रायोरिटी है इसकी क्रिट रेट, क्रिट डैमेज, अटैक परसेंट, एचपी और एनर्जी रिचार्ज। अगर आप बर्स्ट यूज कर रहे हो उसको बर्स्ट वाला बना रहे हो, बर्स्ट सपोर्ट बना रहे हो, तो एनर्जी पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूं तो ओवरऑल आपको कितना परसेंटेज रखना चाहिए, तो मैं अगर बात करूं तो एचपी आप 20 के अराउंड इस पे रखिए ताकि ये डिसेंट अमाउंट पे हो जाएगा, इससे ज़्यादा बेटर होगा तो ज़्यादा ऊपर जाएगा तो ज़्यादा बेटर है। अटैक आपको 1800 के आसपास रखना है, 1800 प्लस आपको रखना है ताकि ये अच्छा खासा डैमेज दे सके, उससे ज़्यादा जितना होगा आप रख सकते हो। क्रिट डैमेज आपको जो है 50 प्लस करना है, लेकिन काफ़ी लोगों को जो है 60 के अराउंड लगता है, तो ये डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि मेरा आया तो क्रिट नहीं मार रहा तो आप 50 से इसे ऊपर कर सकते हो, और क्रिट डैमेज जो है आपको मिनिमम 200 रखना है, 180 भी आपका चल जाएगा अगर आप
आपके पास विपन नहीं है, अगर आप अटैक पे फोकस करते हो तो 180 मिनिमम आपको रखना है, बट 200 प्लस अगर आपका जाता है तो काफी बढ़िया है। और अगर एनर्जी रिचार्ज की बात करूं तो अगर आप डीपीएस खेल रहे हो इसको एज अ डीपीएस खेल रहे हो तो एनर्जी रिचार्ज आप 120 मतलब थोड़ा डिसेंट रखो, 130 तक के आप रख सकते हो अगर आपको नीड पड़ती है। और अगर आप बर्स्ट यूज कर रहे हो तो आप इसे कम से कम 160 या 150 रखिए, अगर आप इसे हर रोटेशन में एक बर्स्ट यूज करना चाहते हो तो आप इसे 150 के अराउंड रखिए। तो मैं अगर बात करूं आयातो की टीम की, तो आयातो डेंड्रो टीम काफी ऑसम चल रही है अभी आफ्टर रिलीजिंग ऑफ डेंड्रो। तो यहाँ पर आप आयातो के साथ जो है यहाँ पर नाहिदा यूज कीजिए, अगर आपके पास नाहिदा नहीं है तो आप उसे ट्रेवलर से स्विच कर सकते हो। थर्ड पे आप कुकी जरूर बिल्ड कीजिए, कुकी एक्चुअली क्या होता है, कुकी जो है ट्रिगर करती है इलेक्ट्रो और साथ ही साथ जो है आपको हील भी कर सकती है, तो ये टीम के लिए काफी कंफर्टेबल होती है। और साथ ही लास्ट फोर्थ में अगर मैं बात करूं तो आप काजुआ यूज कर सकते हो, क्योंकि ये ग्रुप भी करेगा, ग्रुपिंग भी करेगा और साथ ही साथ स्वेल भी करेगा जो भी इसको नीड पड़ेगी। और अगर आपके पास काजुआ नहीं है तो आप साथ ही साथ सुक्रोज भी इसे यूज कर सकते हो। अगर इस टीम पे अगर आपको सुक्रोज नहीं चाहिए, आपको एनिमो नहीं चाहिए, स्वेल नहीं चाहिए, तो आप डबल इलेक्ट्रो भी यूज कर सकते हो, लाइक हमारी येमिको के साथ भी आप डबल इलेक्ट्रो प्लस हाइड्रो कर सकते हो, ठीक है, या फिर बिडो भी आप यूज कर सकते हो, या फिर कोई भी इलेक्ट्रो कैरेक्टर आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आपको इलेक्ट्रो नहीं चाहिए, आप इसमें जो है डबल हाइड्रो भी यूज कर सकते हो, लाइक येलन भी आप इस टीम पे डाल सकते हो जो कि काफी अच्छा वर्क करेगा डबल हाइड्रो के साथ। नेक्स्ट आयातो टीम जो की है टीजर टीम, अगर मैं इसको बोलूं तो टीजर टीम कह सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रो चार्ज टीम, तो जिसमें आप वो दो इलेक्ट्रो और एक एनिमो यूज कर सकते हो जैसे भी आपके पास है, इसकी जगह आप सुक्रोज भी यूज कर सकते हो। तो फ्रीज टीम के लिए आपको डबल करायो की जरूरत पड़ती है प्लस एक हाइड्रो एक एनिमो कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर अगर रोजरिया, काया, गान्यू या फिर आप अयाका भी इसमें यूज कर सकते हो, और यहाँ पर जो है एनिमो कैरेक्टर आपको यूज करना है। या तो वेब टीम में आपको जो है दो पायरो की जरूरत पड़ती है, अगर आप पायरो यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, लाइक शेंगलिन जो कि इसका पायरो नेडो काफी यूज होता है आयातो के एलिमेंटल स्किल के टाइम पे, और साथ ही साथ बैनेट इसको बफ भी देगा, हील भी देगा, तो इनका रेजोनेंस से जो है आपका अटैक भी इंक्रीज हो जाएगा। और लास्ट स्लॉट पे आप जो है इस पे एनिमो फिर से यूज कर सकते हो, एनिमो यूज करने से ये स्वेल करेगा, काफी अच्छा आयातो का डैमेज मिलेगा। अगर आपके पास एनिमो नहीं है, आपको अगर शील्ड की जरूरत है तो आप इसकी जगह जोंगली भी यूज कर सकते हो जो कि आपको शील्ड प्रोवाइड करे। नेक्स्ट मैं अगर बात करूं आयातो वेव प्लस ओवरलोड की, तो आप इसे भी यूज कर सकते हो एक टाइम पे, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपके एचपी का, तो यहाँ पर बैनेट आपको जो हील कर देगा, बट आप इलेक्ट्रो चार्ज प्लस ओवरलोड भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप जो है वेब डैमेज भी दे सकते हो। तो इसके लिए आपको एक इलेक्ट्रो, एक बैनेट मतलब एक पायरो और एक एनिमो की जरूरत पड़ेगी। तो हाइपर कैरी की अगर बात करूं तो आयातो के साथ यूंजिन काफी अच्छी सेट होती है, जिसमें इसका अटैक बढ़ जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आप मोना भी यूज कर सकते हो, जिसके बफ से जो है इसका अटैक बढ़ जाता है, और साथ ही साथ शील्डर के लिए आप जोंगली भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास मोना नहीं है तो मोना की जगह आप फिशल भी यूज कर सकते हो, जो कि इलेक्ट्रो चार्ज टीम में काफी अच्छा आपको सपोर्ट मिल सकता है। सो गाइस, यही था हमारा आयातो के बिल्ड के बारे में, और काफी सारी चीजों के मैंने बात की है, और शायद काफी सारी चीज मैं भूल भी गया होगा बोलना, तो अगर कोई चीज भूल गया हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के हम लोग चलते हैं, इस आयातो का बिल्ड देख लो आप, और इसे हम जो है शोकेस करने वाले हैं लेवल पे, एचपी